नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के चैनपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से एक नली बंदूक, 21 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि अपराधी अर्जुन राय और जीता रात भर लॉकडाउन में देर रात बंदूक के साथ अपराध की योजना बनाते समय पकड़े गए हैं। वहीं एक अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता को भैंस चोरी कर गाड़ी पर लाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। कैमूर एसपी दिलनवाज हसन ने बताया, लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस चैनपुर थाना क्षेत्र में गश्ती कर रही थी, तभी एक व्यक्ति सुनील कुमार गुप्ता, जो मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव का रहने वाला है, भैंसों की चोरी कर पिकअप पर लाद रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह व्यक्ति पहले भी एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हत्या करने के मामले में जेल जा चुका है। दूसरी तरफ देर रात्रि अपराध की योजना बनाते समय 2 अपराधी कर्मियों को एक नली बंदूक और 21 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। नौकरिया रही तो एक बार गल रही वो उनके पत्ता में ले अभी सराय खा गए बना पत्ता छोड़े में जी पत्ता में तो हम उनके लेंगे 200,000 उनका 10,000 लेंगे ना तो वही पर केस। अरे ठीक है, ये बता दारू कहाँ से पीला जी? दारू कहाँ से पीला? अब वो ये शिकार मछली पकड़ रहा, मान लीजिए गाँव में काम से लोग लिया नहीं जिन सब थोड़ा सा मेरे कहा पता ना रहे कि लॉकडाउन में दारू लेके पिए गए शराब पिए के मना ही बस जी बहुत ना तो गलती हो सर लॉकडाउन को लेकर के पुलिस सख्ती से जांच कर रही है। इसी क्रम में एक मुख्यालय का भी आदेश है, पुलिस महानिदेशक का भी निर्देश है, कोई भी हथियार लेके नहीं चलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसी क्रम में देर रात्रि में चैनपुर थाना पुलिस द्वारा हथियार के साथ 2 व्यक्तियों को काफी खदेड़ कर पकड़ा गया है, जिनके पास से एक नाली अवैध बंदूक और 21 कारतूस बरामद किए गए। दोनों शराब के नशे में थे। उसमें एक वार्ड सदस्य और एक अन्य छापामारी के क्रम में एक चोर जो भैंस चोरी कर रहे थे गिरोह के भी एक सदस्य पकड़ा गया, जो पहले भी प्रधानाध्यापक के हत्याकांड में जेल जा चुका है। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।